हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके प्यार, लाइक और एनकरेजमेंट के लिए थैंक यू कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये नीचे रेड कलर का बटन है जो कि ऐसे दिखता है, ऐसे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि एक सब्सक्राइब के वजह से मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा और मैं आगे मेरे बढ़ कुंभ के जाऊँगा। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से इलाहाबाद गए। 12 घंटे, 11 घंटे 30 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच गए। मेरी बहन ने गाड़ी इतनी तेज़ चलाई, 130 की स्पीड में। अब इस वीडियो में आप देखेंगे, जब हम इलाहाबाद पहुंच गए तो उसके बाद हमने क्या किया। जितना टाइम हमें यहाँ से वहाँ जाने में लगा, उसके बाद तुम जाम में फंस फंस के कुंभ के मेले में पहुँचे। 4 बजे हम लोग संगम में पहुँच पाए थे और मौसम एकदम ख़राब था, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं किया कि हम लोग वहाँ पे डुबकी लगाए। हम लोगों ने प्लान किया कि नेक्स्ट डे लगाएंगे। तो अब आप ये वीडियो देखिए पहले दिन का, और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा संगम जिसमें 17 हम लोगों किलोमीटर ने रेलवे डुबकी भी स्टेशन लगाई। 9 किलोमीटर। ये देखो रिपब्लिक डे का कितने अच्छे से इन लोगों ने सजाया है। डेकोरेटेड है। जो लोग इससे पहले इलाहाबाद आए आए थे उनको पता होगा कितना गंदा रहता था ये, बिल्कुल मुझे और पता है। अब ये कितना क्लीन है। देखो कुंभ के मेला के चक्कर में इन्होंने पूरा क्लीन किया। आई होप ये इसको मेंटेन करे आगे के लिए भी और हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही क्लीन रहे, नॉट ओनली फॉर कुंभ, आगे फर्दर के लिए भी। हमारे लेफ्ट में आती बाबू, दे देना कुछ, दे दो कुछ। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, बाबा, महात्मा, सन्यासी और आम लोग आते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक मनाया जाने वाला धार्मिक पर्व है। कुंभ मेला 12 साल में 4 बार 4 अलग अलग जगहों में होता है। गंगा नदी के दो किनारों पर, एक है हरिद्वार और दूसरा प्रयागराज में, या फिर इसे इलाहाबाद भी बोला जाता था पहले। तीसरा होता है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में और चौथा होता है गोदावरी नदी के किनारे नासिक में। इनमें से दो बड़े कुंभ होते हैं, महाकुंभ जो कि 12 साल में एक बार होता है और दूसरा होता है अर्धकुंभ जो तो कि 6 साल में एक फ्रेंड्स बार हम होता लोग है। घाट में पहुंच गए हैं। हम लोग आए थे त्रिवेणी मार्ग से होते हुए काली मार्ग के बाद, अब हम लोग है हर्षवर्धन मार्ग में। देखो तो कितना छोटा सा है चाय का कप। कुंभ में चाय के मज़े वो बात नहीं है जो फतेहपुरी वाली में। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। बट चल जाएगा, आई एम नॉट अ टी लवर, बट ठीक है। 2019 का कुंभ जो कि प्रयागराज में हो रहा है अर्धकुंभ होता है, महाकुंभ भी यहीं प्रयागराज में होता है। हिंदू धर्म या विश्वास की मान्यता के अनुसार कुंभ मेला के दौरान पावन नदी में डुबकी लगाने या स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेला बहुत पुराना पर्व है जिसको कई सालों से मनाया जा रहा है, मगर ऑफिशियली इसका जिक्र 1868 में प्रकाशित ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक रिपोर्ट में है, उसको जिक्र किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि जनवरी 1870 में कुंभ मेला का आयोजन होना है और उसका अरेंजमेंट जैसे साफ़ सफाई अरेंजमेंट करना है। कुंभ मेला में बड़े बड़े अखाड़े, महात्मा, सन्यासी, साधु और बाबा अपना कैंप या आश्रम लगाते हैं और दिन में कई कई बार पूजा आराधना सत्संग होता है यहाँ पे। यहाँ आने मात्र से ही मन में श्रद्धा, भक्ति और पूजा की भावना जाग जाती है। नेक्स्ट महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज यहीं पे होगा, इलाहाबाद में। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। इससे पहले महाकुंभ 2013 में इलाहाबाद में हुआ था, जहाँ 12 करोड़ लोग महाकुंभ में आए थे और उन्होंने यहाँ पे डुबकी लगाई थी, स्नान किया था, जिसमें कि 10 फरवरी में मनी अमावस्या वाले दिन 3 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आए थे और तो उन्होंने फाइनली स्नान किया। मैं पहुँच गया हूँ संगम में। मैं आया था एक VIP रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर से, आपने देखा था जैसे उसमें लोग ही नहीं थे। हम लोग वहाँ से घुस के आ गए। ये देखिए ये महाकुंभ नहीं है, ये अर्धकुंभ है। ये देखिए चिड़िया, अभी 10 मिनट बाकी है 4 बजने में और बिल्कुल ही आज धूप नहीं निकली। आज पूरा मौसम एकदम बारिश जैसा मौसम हो रखा था, बारिश नहीं हुई बट बारिश जैसा मौसम हो रखा था। ठंड है यहाँ पे बट उतनी नहीं है जितनी दिल्ली में है, उतनी नहीं है यहाँ पे।
हो सकता है रात में या मॉर्निंग में हो, बट अभी नहीं। ये जो मेरे पीछे सब खड़े हुए हैं, ये लोग हैं जल पुलिस, जो कि देख रहे हैं यहाँ की सिक्योरिटी के अंदर कुछ भी दुर्घटना या कुछ होगी तो उसके लिए देख रहे हैं। देखिए, ये पानी बहुत ठंडा है और 4 बज रहे हैं, हिम्मत नहीं है, शाम के 4 बज रहे हैं, धूप नहीं निकली, हिम्मत नहीं है कि इस पे घुस जाए, बीमार पड़ जाओगे। ये भी आप लोग सबके बिहाफ पे हर हर गंगे, हाँ, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। क्या आप प्लीज सब मान लेना कि मैंने डुबकी लगा ली है, तो जो जो वीडियो देख रहे हो सबकी है, सबके नाम की है। ये इतना अच्छा, अभी कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला था, तुम कुंभ क्यों जा रहे हो, तुम तो हिंदू नहीं हो, तो इसमें हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं तो इसमें क्या है, एक बड़ा पर्व हो रहा है जो 12 साल में एक बार होता है, तो उसको अटेंड करने में मुझे तो कुछ कमी खराबी नहीं लगती। अब मेरे को मौका मिला तो मैं आ पाया, आप लोगों को शायद मौका नहीं मिल पाया इसलिए आप नहीं आ पाए। तो बुलावा सबके लिए आता है, मेरे को मौका मिल पाया, मेरे को बुलावा आया तो मैं यहाँ आ पाया। बहुत ही कम लोग आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। थैंक यू एवरीवन, जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पे आने के लिए, घर वाले, फ्रेंड्स, ऑफिस वाले भी, और जिन जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ पे आने के लिए एडवाइस किया, कुछ चीज़ें बताई, सबके लिए थैंक यू। जय गंगा मैया।